तो इस वीडियो में हम रिवर्स बायस वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था जो नेट पोटेंशियल बैरियर होता है इस केस में वो वी नॉट प्लस वी हो जाता है। ठीक है, नेट पोटेंशियल बढ़ जाता है, राइट, नेट पोटेंशियल बढ़ जाता है। अपन ने इस ग्राफ में देखा था कि पहले ये फर्स्ट वाला ग्राफ था, नेचुरल जो वी नॉट था वही था, जैसे ही मैंने एक्स्ट्रा वोल्टेज लगा दिया रिवर्स बायस में तो नेट पोटेंशियल बढ़ गया। फिर अपन ने ये भी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई थी, राइट। अब देखो एक चीज़ अपन को नोट करनी है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई ना, उससे डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो इंक्रीज होगी, राइट। तो आप ये नोट कर लीजिए कहीं पे भी कि डिप्लीशन लेयर जो विड्थ है वो इंक्रीज होगी, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम में जो विड्थ दिखाई हुई है, विड्थ दिखाई हुई है, ये देखो बड़ी हुई है। पहले क्या थी, बिना बैटरी जब लगाई थी, देखो जैसे हमने यहाँ पे चार लेयर दिखाई थी माइनस और प्लस चार्जेस की, यहाँ पे सिक्स लेयर दिखाई हुई है। क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ना यहाँ पे चार्ज कैरियर्स को रहने नहीं देगी, या तो वो लेफ्ट में पुश कर देगी या राइट में पुश कर देगी। तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर, जो डिप्लीशन लेयर है ना, उसकी विड्थ बढ़ जाएगी, राइट। तो क्या करेगी, ज़्यादा एरिया में से चार्ज कैरियर्स को निकाल देगी, ज़्यादा एरिया में से चार्ज कैरियर्स को निकाल देगी और वो एन साइड और पी साइड पे पुश कर देगी, एन साइड और पी साइड पे पुश कर देगी। अब देखो डिप्लीशन लेयर की लेंथ बढ़ेगी। मैं इसको एक और तरीके से देख सकता हूँ, मैं इसको एक और तरीके से देखता हूँ। ये देखो ये पॉजिटिव साइड है क्योंकि मैंने बैटरी ऐसे लगाई है, इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है और पी साइड नेगेटिव टर्मिनल होता है, राइट। अब देखो पी साइड पे होल्स ज़्यादा होते हैं या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, होल्स ज़्यादा होते हैं, और मैंने इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, तो क्या होगा, होल्स इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, एन साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एन साइड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो एन साइड में ऐसे पुश हो रहे हैं और क्योंकि पी साइड में होल्स ऐसे पुश हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो दूर जा रहे हैं डिप्लीशन लेयर से, यानी डिप्लीशन लेयर की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो आप कैसे भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गई है, उसने जो कैरियर्स हैं उनको पुश कर दिया है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है, नेगेटिव चार्ज ने होल्स को अपनी तरफ खींच लिया है, तो डिप्लीशन लेयर को एरिया ज़्यादा मिल गया या फिर उसकी लेंथ बढ़ गई। ठीक है, आप कैसे भी तरीके से समझ सकते हो, बट आपको ये याद रखना है कि रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वो बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाती है, पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाता है, वो जाता है वी नॉट प्लस वी। वी नॉट जो है उसका नेचुरल पोटेंशियल है और वी जो अपन ने बैटरी अप्लाई करी है वो है, राइट। अब देखो अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो इसमें अपन बोलते हैं रिवर्स बायस में ना, रिवर्स बायस में अपन को दो चीज़ें समझनी है, एक तो ब्रेकडाउन वोल्टेज और एक रेटेड वैल्यू ऑफ डायोड, ब्रेकडाउन वोल्टेज और रेटेड वैल्यू ऑफ डायोड। ठीक है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज में मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिवर्स बायस में जो करंट होता है, रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो वोल्टेज इंडिपेंडेंट होता है, करंट इज वोल्टेज इंडिपेंडेंट। ठीक है, करंट इज वोल्टेज इंडिपेंडेंट, करंट इज वोल्टेज डिपेंडेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो मैं बैटरी की पावर लगाऊं, मैं बैटरी ज्यादा बड़ी लगा दूं, राइट, उसका वोल्टेज ज़्यादा हो तो करंट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप इस ग्राफ से देखो, इस ग्राफ से देखो, देखो ये देखो ये करंट की कुछ वैल्यू है ये वाली, ठीक है, ये देखो ये जो ग्राफ है ना, ये बेसिकली ये जो ग्राफ ये है, ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है और ये रिवर्स बायस का, ठीक है, इस तरफ रिवर्स बायस का। तो आप ये देखो मैं यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाया, एक्स एक्सिस पे क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज है 20 40 60 80 100, है ना, मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ 20 40 60 80, तो वोल्टेज से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वोल्टेज से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं बोल रहा हूँ करंट इज वोल्टेज इंडिपेंडेंट अंटिल अंटिल ब्रेकडाउन वोल्टेज, अंटिल ब्रेकडाउन वोल्टेज। देखो जो करंट है ना वो वोल्टेज इंडिपेंडेंट तो है, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट एक जो वोल्टेज आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे,
ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है यहाँ पे क्या होता है, करंट एकदम से शार्पली इंक्रीज करता है। आप इस ग्राफ में देख पा रहे हो, करंट जो है एकदम से शार्पली इंक्रीज करता है, राइट। तो इस वोल्टेज पे जिस पे करंट शार्पली इंक्रीज करता है, तो इस वोल्टेज पे जहाँ पे करंट शार्पली इंक्रीज करता है उसको अपन बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, करंट रिवर्स बायस में करंट जो होता है वो वोल्टेज इंडिपेंडेंट होता है, वोल्टेज से इतना फर्क नहीं पड़ता है, राइट। क्योंकि देखो आप हॉरिजॉन्टल लाइन सी है, ब्रेकडाउन वोल्टेज तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, राइट। यानी करंट की वैल्यू सेम है, करंट की वैल्यू सेम है, राइट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है। बट जैसे ही मैंने ब्रेकडाउन वोल्टेज पे मैं रीच किया, करंट एकदम से बढ़ जाएगा। आप ब्रेकडाउन वोल्टेज समझ गए? ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है? वो वोल्टेज है जिस पे करंट शार्पली इंक्रीज होगा रिवर्स बायस के केस में। रिवर्स बायस में वो वोल्टेज, मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, मैं बढ़ाता जाऊंगा, एक वोल्टेज ऐसी आएगी जिस पे करंट शार्पली इंक्रीज होगा, उसको मैं बोलूंगा ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले, राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मान लो 90 है ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले मैं बोल सकता हूँ करंट इज वोल्टेज इंडिपेंडेंट, करंट इज वोल्टेज इंडिपेंडेंट, करंट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा। मैं चाहे 80 की लगाऊं, 40 की लगाऊं, 60 की लगाऊं, ठीक है, प्रैक्टिकली वो वोल्टेज इंडिपेंडेंट है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है मेरे को इस ग्राफ में, ठीक है। तो आप इस स्टेटमेंट को जरूर याद रखना, करंट इज वोल्टेज इंडिपेंडेंट अनटिल ब्रेकडाउन वोल्टेज। देखो इस ग्राफ को अपन डिटेल में देखेंगे आगे, इसको समझेंगे ये क्या और क्या क्या निकाल सकते हैं अपन इन्फ्रेंस इस ग्राफ से, और ये ग्राफ कैसे आया वो अपन देखेंगे। बट आपको ये समझना जरूरी है इस ग्राफ से, ये ना करंट जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। अब देखो अब ये क्या है, रेटेड वैल्यू ऑफ डायोड, ठीक है। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि यार ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ना करंट शार्पली इंक्रीज हो गया, बट अपन क्या बोलते हैं कि अपन को कभी भी डायोड को ब्रेकडाउन वोल्टेज या उससे ज्यादा वोल्टेज नहीं लगानी चाहिए, ब्रेकडाउन वोल्टेज या उससे ज्यादा वोल्टेज नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डायोड है वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, हीट अप हो जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। डायोड पे देखो मैं वापस बोल रहा हूँ कि ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा अपन को वोल्टेज नहीं लगाना चाहिए, राइट, क्योंकि वो हीट अप हो जाती है और वो डैमेज हो जाती है या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती है, इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, राइट। तो देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज पे करंट तो एकदम से बढ़ गया, बट क्या हो गया, डायोड ही खराब हो गई, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, राइट। अपन को डायोड को ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले यूज करना है, और उस केस में क्या है, करंट इज वोल्टेज इंडिपेंडेंट, करंट वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और देखो हमेशा क्या होता है, जो डायोड के मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, डायोड के मैन्युफैक्चरर वो हमेशा रेटेड वैल्यू देते हैं, रेटेड वैल्यू ऑफ डायोड देते हैं। वो क्या करते हैं, डायोड के कुछ आपको स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि यार रिवर्स करंट ना इससे ज्यादा पास नहीं होना चाहिए, वो क्या एक रेटिंग देंगे, एक रेटिंग देंगे कि करंट इससे ज्यादा पास नहीं होना चाहिए डायोड से, अगर होगा तो खराब हो जाएगा। आपको एक रेटिंग दी हुई है डायोड की, आपको करंट उससे ज्यादा पास नहीं कराना है। तो ये रेटेड वैल्यू ऑफ डायोड कौन देता है? मैन्युफैक्चरर, राइट। तो आपको इससे ज्यादा करंट पास नहीं करना होता लैब में, अगर आप करोगे तो आपकी डायोड खराब हो जाएगी, कैसे, हीट अप होकर, ठीक है। आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज और रेटेड वैल्यू को समझ में आ गया, ठीक है। और ब्रेकडाउन वोल्टेज कहाँ पे एप्लीकेबल है? रिवर्स बायस में, ठीक है। आप समझ गए ये वाला ग्राफ, रिवर्स बायस में करंट नहीं इंक्रीज होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज तक, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे शार्पली इंक्रीज होता है, राइट। बट अपन बोलते हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज और उसके बाद अपन को यूज नहीं करनी है क्योंकि डायोड खराब हो जाती है, राइट। अपन असेंशियली क्या करेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले ही यूज करेंगे, और उस केस में अपन बोल सकते हैं कि करंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज, वोल्टेज पे फर्क नहीं करता। आप बैटरी लगा लो 20 40 60 की, करंट उतना ही मिलेगा, करंट उतना ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो अपन इस ग्राफ को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं।